और आदिम जाति कल्याण विभाग की तो इतनी दुर्दशा खराब है कि हमारे साथियों को कर्मचारियों को 3 माह से वेतन नहीं मिला हुआ है, जो कि परिवार पालने में दिक्कतें आ रही हैं। इतनी महंगाई है कि सिलेंडर भी 1200 रुपये का मिल रहा है, पेट्रोल जला के जाओ और 8-9 हज़ार रुपये में कुछ नहीं हो पाता। मैं ग्रेजुएशन हूँ, ग्रेजुएशन के बजाय मेरी मजबूरी है, मुझे ये काम करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इतनी जगह नहीं है, जगह हो तभी तो कुछ होगा। भर्ती निकलती है, शासन भर्ती कैंसिल कर देता है, कहीं कुछ कर देता है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? ग्रेजुएशन होने के बाद भी हमें ये काम करना पड़ा, कर रहे हैं। क्यों? हमारी मजबूरी, हमें बच्चों का पेट पालना है, उसमें भी हमें ज़्यादा वेतन नहीं मिलती है। सिर्फ 9000 रुपये में होता क्या है? क्या होता है 9000 में? कुछ नहीं होता। साथियों, आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये आंदोलन कर रहे हैं, ये लोग आदिम जाति कल्याण विभाग में काम करने वाले लघु वेतन कर्मचारी हैं, जिसमें कई तरीके के काम करने वाले कर्मचारी हैं, जिन्हें 2016 के आदेश के अनुसार इन सभी को परमानेंट करने का आदेश था, लेकिन आज दिनांक तक इन लोगों को परमानेंट नहीं किया गया है। मेरा नाम जीतेंद्र सोलंकी है, सुभाष नगर छात्रावास में हूँ, आदिम जाति कल्याण विभाग के तहत। मैडम, मेरा शिकायत ये है कि मुझे 2019 में कोविड के कारण 2 साल से वेतन नहीं मिला हुआ है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये आदेश थे कि प्राइवेट जो मजदूर हैं उनको घर बैठे वेतन दिया जाए, लेकिन हम तो हाईकोर्ट के और कलेक्टर कमिश्नर के आदेश के तहत आदिम जाति कल्याण विभाग में छात्रावास में पदस्थ हैं, फिर भी हमको कोरोना काल में वेतन नहीं दिया गया है और हमको अल्प वेतन दिया जाता है, जबकि हम कार्य पूरे दिन भर कार्य करते हैं और अधीक्षक द्वारा हमसे पूरे समय कार्य लिया जाता है, लेकिन हमको अल्पकाल वेतन दिया जाता है। तो श्रीमान जी कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि हमें कलेक्ट्रेट का वेतन दिया जाए और हमारे नियमों मांगों को पूरा किया जाए। मैं महाविद्यालय कन्या छात्रावास में काम करती हूँ, मैं रसोईया पद पर हूँ। मेरा काम खाना बनाने का है, मैं 50 लड़कियों का खाना बनाती हूँ, दोनों टाइम सुबह और शाम, दोनों टाइम का सिस्टम चलता है। मेरे को 13 साल हो गए काम करते करते, बुला के आदेश थे रेगुलर करने के, खुद कलेक्टर के आदेश थे रेगुलर करने के, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया है उन लोगों ने। मेरे को वेतन सिर्फ 9000 मिलता है और 9000 में घर का गुजारा नहीं चलता है, बच्चे भी हैं, बच्चों को पढ़ाना लिखाना सब कुछ है, जिसमें कि हमारा गुजारा नहीं होता है। 9000 रुपये में गुजारा अपना करेंगे तो करेंगे कैसे, आप बताओ? आज महंगाई इतनी है, दूध के भाव देख लो आप, सभी चीज़ के, कुछ गेहूँ गल्ला जो भी लेना है सारा सब कुछ महंगा है। ऐसी कोई चीज़ सस्ती नहीं है जो अपन खुद खरीद सकें, और 9000 में क्या क्या करें? बच्चों को पढ़ाना भी है, बच्चों को शादी भी करनी है, बच्चों की बेटी है बेटा है, सबके बच्चे को शादी वादी करनी है, तो वो कैसे करेंगे? आजकल पढ़ाई भी इतनी महंगाई है पढ़ाई में कि नहीं कर सकते, 9000 में हमारा गुजारा कैसे चलेगा ये हमें बताओ। हम तो इतना सोच परेशान है जिसकी कोई हद नहीं है, कहाँ तक जाएं, क्या करें? क्या काम करते हैं आप? नाइट ड्यूटी चौकीदारी। अभी किन मांगों को लेकर आप यहाँ पर बैठे हैं? रेगुलर के लिए। कितने सालों से काम कर रहे हैं? ये तुम्हारे 30 साल से और ज्यादा हो गई, 91 की है। परमानेंट की कह देते हैं अधिकारी बने, कर देंगे और फिर करते नहीं है। हम 15 दिनों को वायदा रख देंगे, महीना भर को वायदा कर देंगे, आज कम से 6 साल से आजकल कर रहे हैं। हमारी ये वजह है, हमको रेगुलर नहीं किया जा रहा है, हम इतने दिनों से हड़ताल कर रहे हैं, कई बार अधिकारियों के पास जाते हैं लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही है बिल्कुल भी। तो क्या अच्छा, इतने पैसे जो आपको मिलते हैं तो किस तरीके की समस्याएं आती हैं? इस तरीके की समस्याएं मतलब हम अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई नहीं करवा पा रहे, ऐसी स्थिति में हम क्या करें? हम मजबूर न होकर के नहीं छात्रावास आश्रम में से मतलब बंद करने की सोच रहे हैं और सोच के यहाँ धरना आंदोलन को मतलब और ज़्यादा गति देना चाहते हैं। 25 साल 1993 से आज दिनांक तक हम लोगों को नहीं मतलब नियमित किया गया। 2016 से जो NPS कटना था वो नहीं कटना, ना ही उन लोगों को स्थायी कर्मी किया गया है, और 2 साल से हमारे कर्मचारियों को भर्ती उपलब्ध नहीं करा रही। हमारे जो साथी हैं पूरे जिले से छात्रावास आश्रम में कार्यरत हैं, जो 7 और 8 हज़ार रुपये प्रति महीने में अपना गुजारा करके इनको परिवार को भरण पोषण नहीं हो पा रहा, और शासन के आदेश होने के उपरांत भी इन लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। समस्या के समाधान के लिए हमारे द्वारा इस मुद्दे को सोशल मीडिया पर भी उठाया गया, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर हम लोगों ने इस मुद्दे को समुदाय के साथ साझा किया, साथ ही संगठन के लोगों के साथ बैठकर बैठक की गई, उसके बाद निर्णय कर रैली निकाल कर सभी लोग कमिश्नर कार्यालय पहुँचे, जहाँ पर कमिश्नर कार्यालय में पहुँचकर कमिश्नर महोदय के नाम
आवेदन सौंपा गया और उनसे अनुरोध किया गया समस्या के समाधान हेतु। वॉलंटरी के माध्यम से यह कामना करते हैं कि हमारी सुनवाई जल्दी की जाएंगी, हमारे कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित की जाए, जो कि 2016 के शासन के नियम के आदेश अनुसार अभी तक पालन नहीं किया गया है, जबकि अन्य जिलों में उनको नियमित किया गया है, उनका लाभ भी मिल रहा है, लेकिन मुरैना जिले में आज तक नियमित नहीं किया गया है और ना ही उसका लाभ मिल रहा है। अनुसार इन सभी को परमानेंट करने का आदेश था, लेकिन आज दिनांक तक इन लोगों को परमानेंट नहीं किया गया है, इसी को लेकर यह सभी लोग आंदोलन कर रहे हैं। वीडियो देखने वाले दर्शकों से मैं अनुरोध करती हूँ कि स्क्रीन पर दिखाए गए आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारी के नंबर पर कॉल करें और उनसे कहें कि इन लोगों को परमानेंट किया जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। मैं ज्योति कदम, मुरैना, मध्य प्रदेश, इंडिया, अनहर्ड के लिए।